दोस्तों मुझसे किसी ने ये पूछ रखा है कि जैसे आपके पास कोई पीडीएफ की फाइल है वो भी मल्टीपल पेज है, कहने का मतलब कोई बुक वर्क है तो मल्टीपल पेज में बना हुआ है, उसको कोरल में इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? और बड़े मजे की बात ये है कि जो पेज का साइज दिया है आपने पीडीएफ में वही सेम साइज होना चाहिए, यानी कि जो आप कोरल की फाइल बनाएंगे वो कोरल की फाइल बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइज में होना चाहिए। तो वो कैसे होगा देखिए, किस तरीके से एक ही क्लिक में झट से कैसे हो जाता है, आप ये देखिए। और हाँ, मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से टिप्स और ट्रिक्स आपको एक से बढ़कर मैं एक सिखाता रहूंगा। ये रहा कोरल, और जिसे कोई बुक इसमें इंसर्ट करना है, पीडीएफ बुक इंसर्ट करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, कंट्रोल ओ कर देना है, ठीक है ना? कंट्रोल ओ कर दिया, फिर उसके बाद में जाते हैं यहाँ पे जहां पे आपकी फाइल रखी है, यानी फाइल का लोकेशन जो है उसको आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं ये बना के रखा हूँ, ये है 84 पेज की और ये है 24 पेज की, दोनों एक ही बुक है, इसको मैंने कम कर दिया है। तो मैं अभी 24 पेज की करके दिखाता हूँ आपको, और चाहे जितनी बड़ी बुक हो, शर्त ये है कि आपका आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन उतना अच्छा नहीं है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर ज़्यादा पेज है तो, ठीक है ना? अभी आपको दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल ओ किया था और यहाँ जाके मैं डायरेक्ट इसको ओपन करता हूँ, ठीक है? अब ये दिखा रहा है कितने से लेकर के कितने पेज तक आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे पूरा पेज नहीं लेना है, 5 लेना है, 10 लेना है, 8 लेना है, 20 लेना है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है ना? हमने इसको किया ओके, इसी में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अब आप ये देखिए, आपका पेज इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए जो साइज उसमें मैंने दिया था, इसको मैंने ओपन किया और जो साइज यहाँ पर है ये पीडीएफ फाइल है, और अब देख लीजिए ये कोरल में आ गया, कोरल में इंसर्ट हो गया। किस तरीके से? बिल्कुल एग्जैक्ट वही, कोई कमी नहीं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, वही सेम पेज आप देखेंगे एक ही क्लिक में। ये 24 पेज दिखा रहा है ना, लास्ट वाला पेज भी दिखाया था, ये 24 पेज तक ये अपने आप इंसर्ट हो गया। अब ये कैसे इंसर्ट हुआ ये देखिए, और फिर आपको दिखाता हूं मैं। इसमें जो साइज है ना, ये यहाँ पे आप लेके आएंगे, आप पीडीएफ की फाइल जब ओपन करेंगे उसका साइज देखना होगा। आप यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, ये साइज दिखाता है, ये 5.25 x 8 इंच है, ठीक है ना? यही सेम साइज आप देखिए इसमें, ये आप देखेंगे कि 5.25 x 8 इंच देख रहे हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वही साइज ये बन के तैयार हो गया, ठीक है? अब आप चाहें तो यहां से साइज अपना घटा बढ़ा सकते हैं, यहां से साइज दे सकते हैं इसको, जैसे A5 कर सकते हैं, A5 कर लीजिए, A5 में अगर आपको करना है तो A5 में कर सकते हैं, ठीक है ना? आप जो भी करना है आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा क्या हुआ, दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एन करके आप पूरा पेज साइज बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आप A5 ले लेते हैं, A5, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे। कंट्रोल आई करने के बाद क्या होगा कि यही ये वाली फाइल लेंगे और इसमें फिर एक देंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं आप इसमें, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के लिए पहला साइज, फिर यहाँ लेके आएंगे इसको करेंगे पी कर देंगे, पी मतलब ये सेंटर में हो गया, ये पेज के सेंटर में हो जाता है पी करने से, ये हो गया। फिर दूसरा इसे इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए कोई दिक्कत आती है आपको, कोई परेशानी आती है और आपका सिस्टम उतना अच्छा नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ऐसे करके, या पेज नंबर 2 कीजिए, पेज नंबर 2 की है इसको पी कर दीजिए, ये हो गया। फिर उसके बाद में पेज नंबर 3, यहां से इसे ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये एक एक पेज इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है ना? दो तरीका है, लेकिन इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी है, जो गाइडलाइन ये वो जो भी उसमें आपने दे रखा है, वो सारा का सारा एज इट इज एकदम इंसर्ट हो जाता है। सबसे बड़ी खूबी उसमें ये, ठीक है ना? उम्मीद है आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये उर्दू वर्ग की ही बात बता रहा हूँ, चाहे हिंदी में कोई बुक हो, चाहे इंग्लिश में कोई बुक हो, चाहे जिस लैंग्वेज में बुक हो, आपको बुक वर्क करना है, पीडीएफ बनी हुई है, कोरल में लेके आना है, तो इसी तरीके से लेके आएंगे, एक बार में एक क्लिक में ही हो जाता है, बशर्ते आपका सिस्टम जो है अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, ठीक है ना? उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले भाई। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।